हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 12 ऑफ वैदिक मैथ्स। हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। हमने स्क्वायर्स को देखा, हमने क्यूब को देखा, वी हैव फाइंड आउट द मेथड टू कैलकुलेट द 3 digits, 4 digit, 5 digit एज वेल एज सम टेक्निक्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर इन फ्यू सेकेंड्स। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर हमने कुछ स्पेशल नंबर्स के बिहेवियर देखे। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा स्पेशल मल्टीप्लीकेशन। अब स्पेशल मल्टीप्लीकेशन में क्या था बेटा, एक था हमारे पास मैजिक मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ऑफ 10 वाला, याद हो, फ्रंट डिजिट्स आर सेम एंड द लास्ट डिजिट्स मेक सम ऑफ 10, वो देखा। नाउ देन वी हैव गोन थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11, 101, 1001। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और आप प्रॉपरली वर्कशीट को सबमिट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे सीधा से ये मतलब होता है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं ना। आज हम जो इस लेक्चर में देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंडामेंटल्स टू फाइंड क्यूब। ओके, अभी तक आपने जो टेक्निक्स सीखी उसमें से आप सिर्फ नंबर्स को देखेंगे एंड आप बता देंगे कि वो नंबर किसका क्यूब है। दिस टेक्निक्स गोना हेल्प यू अलॉट इन योर फ्यूचर एज वेल एज इन योर एकेडमिक्स। आप कोई सी भी क्लास में हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप कोई सी भी स्कूल में हैं, फर्क नहीं पड़ता। वैदिक मैथ्स है तो आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी। सो व्हाट नीड टू डू, यू हैव टू जस्ट डू एंड क्विक कंटिन्यूस रिवाइज करना है आपको। यू हैव टू बी सिंसियर, बी रेगुलर। आपको चीज़ों को बार बार रिपीट करना है और फिर जाके चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी और हैबिट में आ जाएंगी। सो स्टार्टिंग विथ टूडेज सेशन, सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस सेशन में लिया था, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 by 4। देखिए, छोटा सा रिविजन ले लेते हैं कुछ नंबर्स का। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो मुझे लगता है कि मुझे रिवाइज करवानी चाहिए फिर से, तो मैं करवा रहा हूँ उनको। ठीक है, देखिए, आपने मल्टीप्लीकेशन क्या था 4 by 4 का, इट्स 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, हाउ मच डिजिट्स आर देयर, 8। 8 डिजिट्स मीन्स कितने पार्ट्स, 7 पार्ट्स। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ आंसर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस एकायुना। एकायुना मीन्स माइनस 1। नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4 + 4, इट्स 8। 8 - 1 मतलब आंसर कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट एंड दिस वन इज 7 पार्ट। ना चल, ये हो गया 7 पार्ट। ओके, ना पहला कैसे निकलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया इससे इसका मल्टीप्लाई। ये कैसे निकलता है, इसका मल्टीप्लाई इससे। ओके, ना हाउ कैन यू फाइंड आउट दीज वैल्यूज। चलिए पहले मैं डॉट्स बना देता हूं, आप भी बना लीजिए, आप खुद मैपिंग करिए डायग्राम की। ठीक है, इट्स योर ड्यूटी। अब आपको आता है ना, तो आप पैरेलल करिए एक एक एग्जाम्पल लेके, देन वी विल स्टार्ट द टूडेज क्लास। और प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखना। अगेन आई एम सेइंग, बी सिंसियर, बी केयरफुल एंड बी एक्टिव। ना अब हमें करना है, हमें कौन सा पार्ट चाहिए बेटा, हमें चाहिए ये वाले पार्ट। चलो यहां पे ये कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, ये दो चाहिए, ये वाला पार्ट, तो ये दो ले लीजिए। यहां पे जस्ट अपोजिट सिमेट्री बन गई। देखिए ये दो उठाए तो अब ये दो उठाए। अब तीन तीन ले लीजिए, दिस 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 दिस। नाउ हियर वी हैव टू डू इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। ठीक, समझ में आई बात, एक पैटर्न सा ड्रॉ हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द नंबर्स। देखिएगा, इफ आई मल्टीप्लाई 5, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 5। ओके, यू नो द कॉन्सेप्ट ना, यू नो वेरी वेल। सो वी हैव फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट एंड दिस इज गोना बी 7 पार्ट। 5 × 3 = 15। नाउ सी, 1 × 5 = 5, 1 × 3 = 3, 5 + 3 = 8, नो इशू इज देयर। हाँ, 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8, 10 + 8 = 18, अगेन नो इशू। ना दिस साइड
2 5 10, 2 3 6, 10 plus 6 it's 16, 1 1 1 it's 17. Now here we have 5 1 5, 4 1 4, 5 plus 4 it's 9, or 9 2 2 4, 9 plus 4 it's 30. Now for the central value we have to find out 5 5 are 25, 4 3 are 12, 2 1 are 2, and this 2 1 are 2, it's mean 4. So what we have, 5 9, it's 11, it's 33 41. Now see, 5 as it is, carry 1 forwarded, 9, as 7 as it is, carry 1 forwarded, it becomes 42, okay. Now 4 forwarded, it becomes 17, 7 as it is, 1 forwarded, it becomes 19, 1 forwarded, it becomes 21, 2 1 9 7 2 7 9 5, it's like miracle. एक तरीके से देखें तो this is just magic of numbers. एक तरीके से देखिए मैजिक ऑफ नंबर से बेटा, अगर आप इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेगा, आप जैसे अपनी ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट करते ना, गो विद दिस मेथड एंड टेल मी द टाइम दैट यू आर टेकिंग टू डू सॉल्व. ओके, इट्स नीड टाइम बेटा, इट रिक्वायर्स टू मच टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम्स इट रिक्वायर, बट बाय दिस मेथड यू कैन सेव योर 95% ऑफ टाइम, दैट इज हेल्प यू अलॉट. हर एग्जाम में हर जगह आपको वो हेल्प करने वाला है. नाउ दिस वन इज फॉर यू, 5 1 6 2 3 1 4 2, डू इट नाउ. हाँ, अगेन डिजिटल रूट से चेक करें इसको, अपन डिजिटल रूट से चेक करते हैं. नाउ सी, 9 को हटाते हैं, 5 8 9, डिजिटल रूट ऑफ दिस इज 2, ओके, 5 4 9, डिजिटल रूट इज 3, 2 3 6, डिजिटल रूट कितना आ गया अपने पास, 6 आ गया, 9 क्रैश, 9 गया, 9 गया, 9 गया, 5 plus 1 6, डिजिटल रूट्स कितना आ गए, 6. मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक यू कैन सॉल्व इट और आल्सो वेरीफाई योर आंसर. मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में अभी तक आपने ऐसी कोई मेथड नहीं पढ़ी होगी जो ये बता दे आपको कि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सही है कि नहीं. इट जस्ट रिक्वायर्ड दी एक्यूरेसी, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, कि कितना सटीक आंसर है आपका, और ये सिर्फ आपको देता है वैदिक मैथ्स. दिस इज ऑल अबाउट द वैदिक मैथ्स, और कहीं पे ये चीज नहीं मिलेगी. सो डू इट योर सेल्फ. ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर 4 into 3. ठीक, मैं 4 into 3 देख रहा हूं. अब 4 into 3 कैसे करेंगे हम लोग, उसको देखते हैं कि 4 into 3 कैसे होने वाला है. देखिएगा 4 into 3 को कैसे करना है. सपोज यू हैव 4 dots, 1 2 3 4, 1 2 3. ना हाउ मच पार्ट्स मस्ट हैव इन द आंसर, 6 parts, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट. ओके, नाउ सी दिस इनटू दिस, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3. आप खुद बनाइए, ठीक है, आपको आता पैटर्न बनाना. अच्छा, सेम थिंग्स हैपन विद द 5 digits, इतनी नीड है नहीं, इवन 4 4 भी नहीं, बहुत कम आता है देखने पे आपके, है ना, बट फिर भी सीखना हमें सब कुछ है. ओके, बिकॉज दिस इज द स्पेशल कोर्स, और स्पेशल है, इफ यू आर डूइंग स्पेशल देन इट विल मेक यू स्पेशल, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ चीज हटके कर रहे हैं तो वो चीज आपको अलग करने वाली है सोसाइटी से और बच्चों से, है ना, तो वो चीज है. चलिए देखिए इसका, इससे इशू, नो इशू. चलिए लास्ट का लास्ट से, ओके ना, अब हम कर रहे हैं इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इशू, वेरी गुड. अब देखिए अगर आप ये साइड करें तो इसको छोड़ दीजिए, इसको लीव करिए, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, इसको लीव करिए अब, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं. देखिएगा 3 7 2
इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली. 3, 7, 1, 2, 4, 3, 1. Now, answer consists of how much part, beta? It must have 3, 6 parts. First part, second part, third part, fourth part, fifth part, and this is gonna be sixth part. Now see, 2 ones are 2. 4 threes are 12. Issue? No issue. 1 ones are 1. 3 twos are 6. It's 8. Now 3 threes are 9. 4 sevens are 28. 9 plus 28. It's 28 plus 9. It's 37. Okay. Now, अब क्या करना है? अब आपको find out करना है ये वाली side कैसे निकालेंगे आप? You have to leave this. 7 ones are 7. 4 twos are 8. 7, 8, 7 plus 8, it's 15, और 3 ones are 3, it's 13, ठीक है, 7, 8, 15, or 13, no issue. Now, solve this, 3 ones are 3, 4 ones are 4, 3 plus 4, it's 7, okay, और 7 threes are 21, 21 plus 7, it's 28, now solve this, 2, no issue, 8, no issue, 3, 1 carry forwarded, it becomes 29, 2 carry forwarded, it becomes 39, 9, 3 carry forwarded, okay, it becomes 159, 9, 3, 8, 2. Now see, here again you have a learning. एक चीज और सीखने को यहाँ पे आपको ये मिल रही है, देखिए, we are going to check digital roots, okay, look at carefully. इसके digital root तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं. Now what I mean to say, देखिएगा, ये आपके लिए एक learning है. 2, 7, 9, तो डिजिटल रूट इज 4. आई एम नॉट कटिंग इट. 7, 8, 8 4s are 32. 3 plus 2, it's 5. नाउ लुक एट हियर, 9, 9 कैंसिल हो गया, 5, 3, 8, ये 9 कैंसिल हो गया, 10, 1 plus 0, इट्स मतलब कहीं मिस्टेक की है हमने. अब मिस्टेक कहा कि ये देखिए, 2, यहां पे कोई मिस्टेक नहीं, यहां देखिए, 1 threes are 1, 1 ones are 1, 3 twos are 6, it's 7. Okay, now check the digital roots. Now check the digital roots. 5 आया था, अब इधर देखिए, 7, 2, 9. Okay, इतनी चीज समझ में आ गई आपको. Now again we have, it's 80, it's not 13. ये पता है मेरे साथ, पता है एक इश्यू मैं बताता हूँ आपको, टू बी वेरी फ्रेंक, मैं कैलकुलेट आगे करता हूँ, लिख कभी कभी कुछ और देता हूँ. आप नोटिस करिएगा, मैंने ऑडियो में 18 बोला था, लेकिन लिख मैंने दिया था वहाँ पे 13. तो ये होता ही, आपके साथ भी होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. नाउ यू कैन चेक इट, सब सही होगा. ओके, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा एडिशन आ जाता है इसमें, तो एडिशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो चीज़ें गलत नहीं होंगी. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फॉर पर्टिकुलर 3/2. अब 3/2 के लिए मैं पैटर्न नहीं बता रहा, इट्स अंडरस्टूड कि क्या होगा क्या नहीं होगा. देखिए, 712 into 29. ओके, हाउ मच पार्ट वी हैव? इट्स 4 digit 5 digits, देन वी मस्ट हैव 4 parts, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, नो इशू. 2 nines are 18. 2 sevens are 40. ओके, नाउ 9 ones are 9. 2 twos are 4. 9 plus 4, it's 13. 7 nines are 63. 63 or 2, 65. तो व्हाट वी हैव, देखिए, 8, 1 forwarded 4, 1 forwarded 6, 6 forwarded 2, 0, 6, 4, 8. 2, 0, 6, 4, 8. ओके, ये आ गया. नाउ अगेन वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर. मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था, 2 digit और 3 digit. सिर्फ एक एक लेते हैं और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, दैट इज द फाइंड टू फाइंड क्यूब ऑफ परफेक्ट क्यूब. मैं आपको बहुत बेसिक टर्म्स बताने वाला हूं आज, जो आपको स्कूलिंग में भी हेल्प करेगा और इन फ्यूचर भी हेल्प करने वाला है. सो बी अटेंटिव एंड बी फोकस्ड. देखिए, अब सपोज टू बी यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 42. नाउ व्हाट वाज द फॉर्मूला? स्क्वायर ऑफ दिस 16, आंसर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स,
स्क्वायर ऑफ दिस 4, ओके नाउ 2 4 8 8 2 16, 4 6 1 7 6 4, यही था, जस्ट कैरी वन फॉरवर्डेड, दिस मस्ट कंटेन द सिंगल डिजिट्स एंड इट मे हैव मोर देन टू डिजिट्स, ये तो भाई हो गई थी किसकी बात, टू डिजिट्स की, नाउ 3 digits, 1 2 3 का स्क्वायर कैसे किया था हम लोगों ने, देखिएगा 3 digit का DA, ओके DAB, DABC, DPC, BC, DA 1 का स्क्वायर 1, AB कैसे निकालते थे, डुप्लेक्स, 2 1 2 2 2 4, अगेन सॉल्व इट, अच्छा B कैसे निकाला जाता है, ABC, B स्क्वायर प्लस 2AC, तो B स्क्वायर 4 प्लस 6 इट्स 10, ठीक है, देखिए ना B स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2AC, ठीक, तो 2 3 6 एंड 4 इट्स 10, नो इश्यू, BC 2 6 3 6 ये 12 हो गया एंड दिस इज 3 का स्क्वायर 9, 9 2 कैरी 1 फॉरवर्डेड 11, कैरी 1 फॉरवर्डेड 5 15129, दिस इज द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर्स, और सेम आपने क्यूब भी देखा था फॉर द क्यूब ऑफ एनी नंबर्स. नाउ अवर टूडेज टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फंडामेंटल. देखिए आपको मैंने सारे स्क्वायर्स याद करवा दिए हैं, और याद नहीं भी है तो आपको सारे स्क्वायर्स निकालना आ गया विद दिस जनरल मैथड, जो अभी हमने जस्ट देखी उस मेथड से आपको सारे के आ गए, एंड दिस इज ऑल द टेक्निक्स ऑफ वैदिक मैथ्स, ठीक है, सो ये सारी टेक्निक्स वैदिक मैथ्स की ही हैं, ओके तो अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट क्यूब ऑफ परफेक्ट क्यूब, क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब. ना अब मैं ज्यादा नहीं, आपने देखा होगा पूरे लेक्चर में मैंने आपसे कुछ ज्यादा याद करने के लिए बोला नहीं है, बट हियर आई विल रिक्वेस्ट टू जस्ट रिवाइज और रिमेंबर द क्यूब ऑफ 1 to 9. आपको सिर्फ 1 से 9 तक के क्यूब याद रखने हैं. आपके सिर्फ आज के 5 मिनट्स आपको लाइफ में 5000 बार हेल्प करने वाले हैं. आज के सिर्फ 50 मिनट्स आपको 50 बार हेल्प करेंगे लाइफ में, 50 बार, वो इवन नंबर्स भी दिलाएंगे. अब वो कैसे करना है देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं क्यूब क्या होता है. देखिए 1 क्यूब मीन्स 1 into 1 into 1 विच इज 1, ओके 2 क्यूब मीन्स 2 into 2 into 2 विच इज 8, मतलब 2 क्यूब इज 8, मतलब किसी भी नंबर को आप खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट इज कॉल्ड क्यूब, ओके. और स्क्वायर में कितनी बार मल्टीप्लाई करते थे हम, 2 times. नाउ हियर इज द मेन डिफरेंस, इन दैट केस वी मल्टीप्लाई विद 2 times एंड हियर वी मल्टीप्लाई 3 times द नंबर इटसेल्फ. इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 3 times देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ क्यूब एज इट इज अ स्क्वायर इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट 2 times. देखिए 3 क्यूब 3 into 3 into 3 इट्स 27. 4 क्यूब 4 into 4 into 4 इट्स 64. 5 क्यूब 5 into 5 into 5 इट्स 125. 6 क्यूब 6 into 6 into 6 इट्स 216. 7 क्यूब 7 into 7 into 7 इक्वल्स टू 343. 8 क्यूब 8 into 8 into 8 512. 9 क्यूब 9 into 9 into 9 इक्वल्स टू 729. ठीक है, और यू नो द 10 क्यूब 10 क्यूब बहुत ही आसान है, इसकी जरूरत है भी नहीं. 10 into 10 into 10 इट्स 10. आपको सिर्फ ये क्यूब याद रखने हैं, और याद क्या रखना है इन पे, देखिए ये क्यूब मैं याद क्यों करवा रहा हूं,
क्योंकि ये क्यूब्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने हैं। मैंने आपको क्या करवाया, देखिए 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर बोले थे, ओके ये याद हो गए होंगे, और नहीं याद है तो फिर कह रहा हूं कर लीजिएगा और रिवाइज जरूर करिएगा। और 1 से लेकर 9 तक के क्यूब, बस इसके अलावा कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन अपकमिंग चैप्टर्स यू हैव एलजेब्रास, हाँ एलजेब्रा आएंगे, ट्रिग्नो आएगी, अरे बहुत सारी चीजें भी वेट कर रही, देखो तो आप देखते तो जाओ धीरे धीरे, फैदिक मैथ्स है, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, बस अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सब्ट्रैक्शन की होगी। इस वीडियो में हम क्यूब देखेंगे और फास्ट मैथमेटिक्स देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम फास्ट। एक मैथड सिखाने वाला हूँ आपको एडिशन की, दैट इज कॉल्ड डॉट मैथड, है ना। देखिए इतना समय आया, अब आपको ध्यान क्या रखना, देखिए 1 के क्यूब में यूनिट 1 8 7 4 5 6 3 2 9, मतलब ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जिसमें वैल्यू क्या हो रही है रिपीट। फॉर ऑल वी हैव द यूनिक वैल्यूज, फॉर ऑल वी हैव द यूनिक वैल्यूज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस इसको लर्न कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब सारी चीजें यहां से निकल के आएंगी। ओके नाउ यू ऑल नो द क्यूब्स ऑफ 1 to 9 के क्यूब्स आपने देखे। नाउ अब सी व्हाट इज द ट्रिक, हियर इज द ट्रिक दैट वी हैव विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स, यू कैन इजीली फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सो व्हाट यू हैव टू डू, देखिए इधर लास्ट डिजिट को देखिए, इट्स 1, 1 किसके क्यूब में आता है 1 के, तो यूनिट प्लेस क्या होगी इसकी 1। इतनी बात समझ आई। नाउ कट दी मिडिल वैल्यूज, काम की नहीं है, शुरू की 2 डिजिट्स को आप काट दीजिए, वो अपने काम की है ही नहीं। नाउ व्हाट वी हैव दिस 1, इसके पास का क्यूब नंबर कौन सा है 1, इट्स अ क्यूब ऑफ 11। नाउ 1 मोर, 8, किसके क्यूब में 8 आता है देखिए, 2 के क्यूब में 8 आता है, तो इट्स 2। नाउ कट दी सेंट्रल वैल्यू, कट दी सेंट्रल वैल्यू, क्या मिल गया हमें वापस से, इट्स 1। ओके लेट अस टेक 1 मोर एग्जांपल, वी हैव 1 2 1 6 7 1 2 1 6 7। नाउ 7 किस में आता है, 7 आता है 3 में, तो यूनिट प्लेस तो क्या हो गया इसका 3 हो गया। नाउ कट दी सेंट्रल वैल्यूज, ये क्या बचा, 2 डिजिट्स काटनी बीच की, ध्यान रखिएगा इसके बाद की जो 2 डिजिट्स उसको काट दीजिए, भले कितनी बचे 3 बचे 4 बचे फर्क नहीं पड़ता। 12, देखिए 12 किसके पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है 12, 12 से जस्ट छोटा किसका क्यूब है 8, क्योंकि भाई 3 का क्यूब तो इट्स किसका क्यूब है 8, 2 का, तो इट्स 23, इट्स अ क्यूब ऑफ 23। नाउ सी 7 अगेन, देखिए 7 किस में आता है, 7 आता 3 में, तो यूनिट प्लेस 3, कट दीज 2 वैल्यूज, वी हैव 35। अब देखिए 35 से छोटा क्यूब किसका होता है, 4 का क्यूब होता है 64, तो 4 होगा नहीं, 3 का क्यूब होता 27 विच इज लेस देन 35, इट मीन्स आंसर इज 33। ओके नाउ 1 मोर, 9 किस में आता है, 9 आता है सर 9 के क्यूब में, तो लास्ट डिजिट तो हो गई 9, कट दीज वैल्यूज, अब देखिए किसका स्क्वायर किसका क्यूब नंबर इससे छोटा है भाई 25, तो बड़ा हो गया, बड़ा हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए छोटा चाहिए, तो 24 से जस्ट छोटा देखिए आप किसका क्यूब होगा, इट्स क्यूब ऑफ 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब तो 27 हो गया, हमारे काम का है नहीं, तो इट्स 2 क्यूब, तो इट्स 29। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि कैसे क्यूब्स निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड ध्यान रखिएगा ये टेक्निक जो हम कर रहे हैं दिस इज फॉर परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्या होता है, जिसका क्यूब एग्जिस्ट करता है वो परफेक्ट क्यूब होता है। इफ आई से सर ये किसका क्यूब होगा, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बिकॉज द क्यूब ऑफ दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, भाई इसका क्यूब एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और जब क्यूब एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्ट क्यूब। लेट अस टेक 1 मोर एग्जांपल, वी हैव दिस 6, 6 किस में आता बेटा,
सिक्स आता है सिक्स के क्यूब में, तो पीछे तो हो गया आपके सिक्स. नाउ कट दीज टू वैल्यूज. ओके फोर, भाई ऐसा क्यूब देखिए जो फोर से छोटा हो, टू का क्यूब तो एट, वन का क्यूब वन, तो आंसर इज वन. इट्स अ क्यूब ऑफ 16. यू कैन कैलकुलेट इट, आप करिए कैलकुलेटर से इसको. नाउ वन मोर, वी हैव फाइव. फाइव किस में आता है? फाइव आता है फाइव में, तो इट्स फाइव. नाउ कट सेंट्रल वैल्यूज. ठीक, अब बचा कौन? थ्री. ऐसा क्यूब देखो जो थ्री से छोटा हो, तो भाई वन ही है, टू का क्यूब तो एट होता है, तो इट्स 15. आगे बात समझो बेटा अच्छे से. ना दिस वन, दिस वन ऑल्सो टू. टू किस में आता है? टू आता है आपका एट में, इट्स एट. कट दिस सेंट्रल वैल्यूज. फाइव, भाई फाइव से बड़ा क्यूब, भाई टू का क्यूब एट, बट इट्स लार्जर देन फाइव, बट हम लार्जर नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? छोटा नंबर, इट्स 18. आप इस टेक्निक से किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं, किसी का भी क्यूब, किसी का भी क्यूब. ओके नाउ कुछ बड़े नंबर्स, क्योंकि आप सोचेंगे सर उसके लिए, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि हमने दो को कैंसल आउट क्यों किया. बिकॉज यू शुड नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक चीजें आपको पता नहीं होंगी कि वाई वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन कहलाएंगी. देखिए मैंने क्या बोला, फाइंड दिस. नाइन किस में आता है? नाइन आता है नाइन के क्यूब में, तो लास्ट डिजिट तो होगी इसकी नाइन. नाउ कट दिस टू. अब बचा है 117. तो ऐसा क्यूब देखिए, या तो यही हो, ठीक, क्यूब से छोटा होना चाहिए किसी. 117 किसके क्यूब में मिलेगा आपको? देखिए 5 का क्यूब होता है 125, इस लार्जर देन 125, तो नहीं, 4 का क्यूब 64, तो हम ले लेंगे 4. आपको वो क्यूब लेना है जो इससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं लेना. अगर आप 5 ले लेंगे तो इट्स क्रॉसिंग दिस वैल्यू, आंसर गलत हो जाएगा फिर, तो इट्स 49. नाउ सी 5 किस में आता है? 5 में आता है. कट दिस टू वैल्यूज, व्हाट वी हैव? 421. अब देखिए 421 किससे छोटा है? 512 किसका होता है? 8 का बड़ा है, 343 छोटा है भाई, इससे छोटा है, तो इट मींस क्या आएगा आगे? 7. तो इट्स क्यूब ऑफ 75. नाउ दिस अगेन, ये क्या हो गया बेटा? 5 पीछे दो वैल्यूज को काटा, 15 देखिए किस में आ रहा है, 15 किससे छोटा आ रहा है, इधर चेक करिए किससे छोटा है 15, 27 से छोटा है, और ये किसका क्यूब है? 8, 2 का क्यूब, तो आंसर इज 25. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. अब यहां पे जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं वो ये कि हमने तीन ही क्यों. अगर आपने वैदिक मैथ्स को अभी तक ऑब्जर्व किया है, अगर आपने चीजों को समझा है, तो हमारा जो मेन फोकस होता है बेटा वो होता है बेस नंबर्स पे, इट मीन जीरोस पे. क्यूब है, क्यूब है, क्यूब की पावर कितनी होती है? 3. तो हमने कितनी डिजिट ली? 3 डिजिट. 3 का पेयर बनाया. देखिए अब 3 का पेयर हमने पीछे से बनाया, चूंकि ये सब यूनिक है तो इन दो पेयर्स का कोई मतलब नहीं बनता, और नहीं बनता तो भाड़ में जाए अपने किस काम का, इसलिए अपन ने उसको क्रॉस किया. 3 चाहिए जब हमारा लास्ट से काम चल रहा है. अब मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छा अप्रोच. देखिए यू ऑल आर गोइंग टू गिव सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन फ्यूचर, और इवन मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, कर रहे हैं आप लोग प्रिपरेशन और आप देने वाले हैं. सो वॉट यू हैव टू कीप इन द माइंड, यू हैव टू बी स्मार्ट, क्योंकि आज दुनिया में उसी की पूछ है जो खुद को पूछता है बेटा. जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करने वाली. सो मेक योर सेल्फ वर्दी, ठीक है, अपनी वर्थ बढ़ाइए, अपनी जो वैल्यू है उसको इम्प्रूव करिए, उसको इनहेंस करिए. एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसे होता है. कॉम्पिटिशन में पता है क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ कोई एग्जाम्स, तो मैं फोकस सिर्फ इन डिजिट पे करता हूँ बस, क्योंकि भाई चार ऑप्शन है, मान लीजिए 2 में 5 दे दिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सो वी हैव टू बी स्मार्ट, क्योंकि वहां पे नंबर देखे जाते हैं, ये नहीं देखा जाता आपने कितने क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं, आपके पास टाइम था नहीं था. दिस ऑल आर एक्सक्यूज, फुलिश एक्सक्यूज होता है, और कुछ नहीं होता. जो लोग कर नहीं पाते हैं ना कुछ, तो वो बहाने बनाते हैं, तो हमें उनमें से नहीं बनना है. वी हैव टू स्टे आउट ऑफ दैट, ठीक है, कुछ भी हो जाए करना है मतलब करना है. तो क्यों वाला समझ में आया? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डॉट मैथड. आज हम पढ़ने वाले हैं डॉट मैथड को. अभी डॉट मैथड होती क्या है
उसको देखते हैं, नाम से क्लियर है डॉट। दिस सिंपल द एडिशन टेक्निक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न। अब इस टेक्निक को कैसे लर्न करना है, देखिए मैं आपको एक सजेशन देता हूं, दिस थिंग्स आर टोटली न्यू फॉर यू सो यू हैव टू अडॉप्ट इट, क्योंकि जब तक चीजें आपको नहीं आती हैं तो आप उसको अडॉप्ट करेंगे। और अडॉप्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं, प्रैक्टिस। तो अब अडॉप्ट कैसे करेंगे, आपने बचपन से एडिशन किया है बेटा, ठीक, उस एडिशन का तरीका बहुत अलग था। नाउ आई एम गोना टेल यू द बेस्ट टेक्निक विच इज कॉल्ड डॉट मैथड। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो करिएगा, ये आपकी कैलकुलेशंस को बहुत स्मूथ, बहुत फास्ट बना देगा। और सबसे बड़ी चीज, एक्यूरेसी लेवल 99% से भी ऊपर हो जाएगा अगर आपसे मिस्टेक्स होती है तो, क्योंकि मुझसे भी हो जाती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू आर नॉट डूइंग मिस्टेक, एनी मिस्टेक, इट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स। जब तक आप कोई गलती नहीं करेंगे आप कुछ नया नहीं सीखेंगे। तो गलती भी बहुत जरूरी है सर। आप सोच रहे हो सर अपना कवर कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। ओके, सो अवर न्यू टॉपिक इज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशन और फास्ट एडिशन। हम फास्ट एडिशन कैसे करेंगे, ठीक, हमने अभी तक मल्टीप्लीकेशन को सीखा है, फिर हमने सीखा है यहां पे, आज एडिशन को सीखेंगे। एडिशन नॉर्मल सा होता है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग जो हम करें। अब यहां पे जो मैं बता रहा हूं उसको देखिएगा, डॉट टेक्निक्स, हाउ टू मेक या फास्टर कैलकुलेशन, लिख लीजिए फास्टर कैलकुलेशन, फास्टर कैलकुलेशन। नाउ हाउ टू डू अ फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन की कैसे जाती है, देखिएगा, बहुत सिंपल सी टर्म्स है, 4, 5, 9, 6, 3, 2 इफ आई से एड इट। तो बता अपन क्या करते हैं मोस्टली अपनी लाइफ में, इफ यू आर एडिंग सम नंबर्स देन मोस्ट ऑफ द यू डू, अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 95% लोग ये चीज करते हैं। देखिए हम लोग कैसे ऐड करते हैं, 4, 4 + 5 = 9, 9 + 9 = 18, 18 + 6 = 24, 24 + 3 It's 27, 27 + 2 = 29। हम लोग ने पता है क्या क्या, हम लोग बार बार वो प्रीवियस वैल्यू को रिपीट कर रहे थे, और जैसे ही हमने रिपीट किया उसने हमारी कैलकुलेशंस की एरर को बढ़ा दिया। कभी कभी ऐसे होता है क्योंकि आपने प्रीवियस वैल्यू ही गलत ले ली। बट इन दिस टेक्निक, इसको बोलते हैं डॉट मैथड, डॉट मैथड। यहां पर आप कैसे करेंगे, देखिए हम दो डिजिट लेके चलेंगे ही नहीं, हम सिर्फ वी विल डील विथ ओनली सिंगल डिजिट्स। जहां दो डिजिट आई एक डॉट दे दिया हमने, एक डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक नंबर को। देखिएगा 4, 4 + 9 स्टिल सिंगल डिजिट, 9 + 2 = 18, 8 है वन डॉट, 8 + 6 इट्स 14, ओके 4 है वन डॉट, 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9 1 and 2, 2 dots = 29। अब कैरी फॉरवर्ड वाला इशू आया, नहीं आया, नाउ सी वन मोर टाइम, एक बार फिर देखिए आप चीजों को, सपोज टू बी 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1 9, 1, 7, 6, 4, 3, 2, 1 देखिएगा डॉट मेथड से कैसे करना है, 9 + 7 = 16 वन डॉट दिया, 6 बचा, 6 + 6 = 12 वन डॉट दिया, 2 बचा, 12 उसको छोड़िए 2 है आपके पास, 2 + 4 = 6, 6 = 9 अगेन 11 वन बचा, वन डॉट दिया, 1 + 1 = 2 इट्स 32 समझ में आया। अब ये टेक्निक बेस्ट क्यों, थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, क्यों क्यों अजीब लगेगा मैं बताता हूं, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट फर्स्ट टाइम it becomes quite difficult for you to understand the concept, but if you start doing it then you become habitual। ye fark hai seekhne mein, learning mein, karne mein। jab main batata hu aapko duniya ka kya lena, main apni hi baat karta hu, jab main I was started teaching in 9th class, 9 se 10 se main padha raha hu, teaching leta tha, matlab main aapki umar ka tha,
तब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम क्या होता था कि जबान लड़खड़ा के जाती थी, काफ़ी चीज़ें होती थी जो आपके लिए नई होती हैं, सो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिकॉज यू हैव टू टेल द स्टूडेंट्स, यू हैव टू टीच इन फ्रंट ऑफ दैम। तो एक शाइनेस थी, एक घबराहट थी, लेकिन होता ना जैसे जैसे अपन वर्क करते गए उस पर तो अब फिनिशिंग हो गई। इवन एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको टीचिंग का। देखिए जो ये जो है, मैं ये नहीं बता टीचिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, टीचिंग इज गुड थिंग, आपका इंटरेस्ट हो तो करिएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब टीचिंग करते हैं इसलिए फोकस कर रहे हैं टीचिंग पे, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं अपनी बता रहा हूँ। इससे पता है क्या, पब्लिक फियर खत्म हो जाता है। आज आप मुझे 100 लोगों के बीच खड़ा करेंगे तो मैं बोल दूंगा इजीली, हाँ थोड़ी सी घबराहट होगी बट बोल दूंगा, सिर्फ वो 1 मिनट की घबराहट होगी, फिर मैं फ्रेंड बन जाऊंगा, फ्रेंक हो जाऊंगा। एग्जैक्टली सेम चीज वहां पे भी होती है। एक्चुअल में क्या है, अभी जैसे कि हम लोग थे, मैं खुद एमएससी कर रहा हूँ तो वहां पे था, तो क्या होता है पब्लिक स्पीक होती है जिसको आप कहते हैं कि वाइवा टाइप का था, तो वाइवा बोला कि सबके सामने पढ़ाइए आप, तो होता है यहाँ पे ऐसा तो था। तो अगर आप जो नए बच्चे होते हैं वो घबराने लग जाते हैं, मेरा टर्न आया, आई गो लाइक बॉस, मैंने कहा भाई अपन तो पढ़ा रहे क्या है, आई इमेजिन दैट कि दे आर माय स्टूडेंट्स, बस वो सोच के पढ़ा दिया एंड आई गोट फर्स्ट प्राइज देयर। 70 बच्चे समथिंग थे एंड आई वॉज फर्स्ट वन, लड़का लड़की थे दो, पता हर उसमें से प्राइज दिया गया था, तो मुझे फर्स्ट प्राइज दिया गया था। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, पेशेंस, और जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, जो वर्कआउट किया है। देखो हार्डवर्क सब करते हैं, कोई हार्ड वर्क करता है तो कोई वर्क हार्ड करता है, इट्स ऑल अप टू यू व्हाट यू आर डूइंग, क्या वर्क हार्ड कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब हार्ड वर्क क्या होता है, वर्क हार्ड में फर्क बता देता हूँ आपको, जो लेबर्स हैं वो वर्क हार्ड कर रहे हैं और जो बच्चे हैं वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे जो ये हार्ड वर्क है, कल इनको बहुत अच्छी लर्निंग के साथ अर्निंग देने वाला है, और वर्क हार्ड वालों के साथ यहाँ पे अर्निंग कम हो जाएगी और लर्निंग जीरो हो जाएगी और वर्क हो जाएगा टफ। वहां पे फिजिकली वो यूज जा रहे हैं, यहाँ पे मेंटली यूज हो रहा है। तो आप सोचिए, दिमाग बहुत बड़ा है सर, ठीक है, वो बहुत बड़ी चीजें हैं, तो इन सब चीजों को समझना है। तो ये टेक्निक्स आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। अब देखिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब इट्स 42, 23, 41, 92, 4, 5। Now see, मैंने क्या बोला आपको, as you go there, you have to just put the dots. 2 plus 3, 5, 6, 8. 8 and this one is 4. It's 12. One dot. 2 baja, it's 7. Yeah, 7 आ गया, कोई issue तो नहीं है। Now see, 4, 6, 10. One dot चला गया, 0, 9. ये 10, फिर 1 डॉट चला गया, इट मीन 0, 1 plus 1, 2, 207। दिस इज द डॉट टेक्निक्स। कैरी का लफड़ा ही नहीं, ठीक, ना कैरी का लफड़ा ना आम का लफड़ा है, सीधा सॉल्व करो आप तो बस आ जाएगा आंसर। तो ये डॉट टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल है, ये कैलकुलेशंस को इंप्रूव भी कर देंगी और कभी दिक्कत नहीं होगी। बट रिमेंबर वन थिंग, 1 डॉट इंडिकेट्स 1 वैल्यू। ओके, अगर यहाँ पे 4 डॉट्स हैं तो 4 वैल्यूज को शो करेगा। ओके, नाउ दिस वन इज फॉर यू, मैं छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ। 13, 42, 59, 64, 32 विद द हेल्प ऑफ डॉट टेक्निक्स करिए, फटाफट डॉट टेक्निक से करिए। मेरे वीडियोस को पॉज करके आप करिए, क्योंकि मैं भी पैरेलल कर रहा हूँ, चीटिंग नक को करना, ठीक है, ऊपर वाला सब देख रहा है, बिग बॉस की थर्ड आई देख रही है, आपको ध्यान रखिएगा, है ना, देखते तो हो गए बिग बॉस, हैं, दे लड़ाई दे झगड़ा, है ना, तो कभी किसी ने तो कभी किसी को किसने रगड़ा, यही चलता है बिग बॉस में, तो लोगों का फेवरेट है, इवन कितने लोग देख रहे हैं जिनके बिग बॉस में जान बसती है, है ना। चलिए कन्फेशन रूम में आ जाइए फिर आप लोग। देखिए 3 plus 2, 5, 5 plus 9, 14, 1 कैरी, पहुंच गया डॉट, 4, 8, 10, अगेन 1 पहुंच गया, इट्स 0। ओके, नाउ सी, 1, 5, 10, 1, 7, 8, 11, इट्स 210। ये है डॉट टेक्निक। आई होप आपको डॉट टेक्निक समझ में आई होंगी, आपने सीखा आज कि डॉट मेथड से कैसे एडिशंस कर सकते हैं
एंड दिस मैथड विल हेल्प यू टू डू फास्ट कैलकुलेशन ऑफ एनी एडिशन. नाउ इन अपकमिंग वीडियोज वी आर गोइंग टू लर्न द फास्ट मैथड ऑफ सब्ट्रैक्शन. ऐसी ऐसी मैथड्स आप सब्ट्रैक्शन में देखोगे ना, मैं कह रहा हूं उस टेक्निक को सीखने के बाद अगर आपने उसको ऑप्ट नहीं किया तो नहीं किया तो नहीं किया, आप मारोगे थोड़ी मुझे. ठीक है, करेंगे आप, आई एम श्योर कि आप उसको, आपको टेक्निक्स बहुत अच्छी लगेगी. क्योंकि पता है जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी वो चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्टिव लगी थी. और मैं बता दूं आपको, इफेक्टिव नहीं होता तो मैं आपको ये कोर्स नहीं ऑफर करता. सिंपल सी बात बताऊं, देखिए मैं इतना फ्री नहीं बैठा हूं. सिंपल सा फंडा है, आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैं भी सिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है समथिंग इज देयर. और आप लोगों के देखने के बाद आप देखिएगा कि अब वैदिक मैथ्स के कितने बच्चे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे. हर बार मुझे वैदिक मैथ्स करानी पड़ेगी हर 3-4 महीने में. तो हम ऑफर करेंगे आपको, डोंट वरी. और आपको बता दें कि सारी चीजें आपने सिस्टमेटिक देख ली, वर्कशीट प्रॉपरली दे रहे हैं. ओके ना, तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग और चीजों को अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन को प्रॉपर टाइम दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा. थैंक यू.